आँखों से बात करनी चाहिए ये आंसू दिखाना जरूरी नहीं जा, है जा। तो मैं चिल्लाने लगी रोने लगी फोन पे सब करने लगा और फिर मैंने फोन मैं बोला मैं आपसे बाद में बात करती हूँ रख दिया चल रहा है अच्छा शो तो चलने दो और स्टोरी तो कभी कम होती ही नहीं है ना 75 फाइव ईयर्स के सेलिब्रेशन पर हम आपको मिलाते हैं राजश्री के एक और सदस्य से सुभाषी जी सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे राजश्री के साथ आपकी जर्नी के बारे में नमस्ते जी। और क्योंकि राजश्री में मैंने काम किया है ढाई तीन साल इसलिए नमस्ते तो मैं सबसे पहले ही बोलूंगी <laughs> क्योंकि जब भी हम राज बाबू से मिलते थे या सूरज जी से मिलते थे सबसे पहले नमस्ते और पैर ही छूते थे ये मैंने वहाँ से सीखा है और राजश्री की मेरी जर्नी तो कमाल रही इतनी कमाल कि मैं आज भी आई थिंक उसको ऑलरेडी दस साल हो गए आज भी मैं विशेष जी को फ़ोन करके बोलती हूँ कि विशेष जी कुछ मेरे लायक हो तो बताना अब ये कब आप बोलोगे जब उनके साथ एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा हो यूजुअली क्या होता है जब आप ढाई तीन साल साथ में रहते हो ना तो हर किसी के और दिन रात साथ में रहते हो तो हर किसी के हर इमोशन से हम वाकिफ़ हो जाते हैं गुस्से से इरीटेशन से प्यार से तो ओवरऑल का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि दोबारा दोबारा काम करने का मन हो उनके साथ तो इतना खूबसूरत रहा है मेरा एक्सपीरियंस और उनके साथ जो मैंने शो किया यहाँ मैं घर घर खेली जी। वो अ, मेरा अब तक का बेस्ट शो रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस पहला मेरा डेली सोप था प्लस वो शो इतना फेमस हुआ वो शो के पर्क्स जो होते हैं ना आपको अ, हर दिन जाने के पैसे तो मिलते ही हैं पर अगर शो सक्सेसफुल हो जाए तो उसके इतने पर्कस भी मिलते हैं कि मैं आधी दुनिया घूम ही हूँ ओनली बिकॉज ऑफ यहाँ मैं घर घर खेली wow. और पिछले कितने साल पहले तक दस साल हो गए शो को लेकिन साल पहले तक मुझे आउट ऑफ इंडिया बुलाया जाता था बिकॉज ऑफ घर घर खेली सो इट्स बीन अमेजिंग तो किस तरह से ये सारी चीजें शुरू हुई आपको किस तरह से ये शो आपको मिला उसके बारे में जानना चाहेंगे हाँ, मैं एक शो करती थी स्टार प्लस पे एक चाबी है पड़ोस में और वहाँ से तो मुझे किसी का रेफरेंस से कहीं से तो मुझे राजश्री से कॉल आया और राजश्री मेरे लिए हम आपके हैं कौन था <laughs> क्योंकि वो वो फिल्म एक तो वो टीवी पे भी इतनी बार आती थी हर वीकेंड पे आई थिंक आती थी एक एक वीकेंड यहाँ हम आपके हैं कौन और एक वीकेंड हम साथ साथ <laughs> शायद ऐसा ही होता था तो आ, जब ऑफकोर्स राजी से फ़ोन आया तो मैं तो तो मैं गई कविता जी से मिली मैं और तब राजबाबू भी थे उधर तो कविता जी ने मुझे बोला ऐसा ऐसा है तो सोचना तो था ही नहीं ना उसके लिए तो वो कुछ भी बोलती मैं हाँ ही बोलने वाली थी तो आ, उन्होंने बोला ऐसा है और ऐसा है और फिर आ, ये शो है जी पे आने वाला है मैंने बोला हाँ जब आप बोलो तब और शी वॉज सो काइंड एंड जेंटल तो मेरा एक्चुअली ये थोड़ा सा ना मेरे लिए एक नेगेटिव बात भी कैसे हो गई कि क्योंकि फर्स्ट डेली सो इतने अच्छे प्रोडक्शन के साथ हुआ ना तो हाँ। मेरा बेंचमार्क इतना ऊपर हो गया कि फिर हर प्रोडक्शन के साथ मेरी कंप्लेन रही है उसके बाद आपकी कंप्लेन्स रही है हाँ आपने इतना मतलब मैंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस कर लिया है कि जिस तरह से बात करते हैं जिस तरह वो ट्रीट करते हैं आपको जिस तरह से आपकी बात सुनते हैं माने ना माने अलग चीज़ होती है पर सुनने सुनने का भी एक टैलेंट होता है तो फिर मुझे ऑडिशन मैंने दिया और तब राजबाबू बैठे थे उनका एक मिनी थिएटर है ना तो वहाँ ऑडिशन दे रही थी और राजबाबू बैठे थे और राजबाबू ने मुझे बैठ के एक्सप्लेन किया पहले तो बताया कि माधुरी दीक्षित ने भी इधर दिया हुआ है और फिर उन्होंने बोला कि देखिए वो जो आई थिंक हर आर्टिस्ट को वो बोलते हैं कि आँख में पानी आने चाहिए पर आंखों से आंसू गिरना नहीं चाहिए अच्छा। ये बाबू हमेशा और मुझे जितनी भी बार मिले हैं ना उतनी बार हमेशा उन्होंने बोला है कि आंखों से बात करनी चाहिए ये आंसू दिखाना जरूरी नहीं है तो वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है और बस से माने बहुत प्ले करना है हाँ और वो हमने उनकी फिल्म में देखा भी है ना तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा ऑल दो वो एग्जीक्यूशन डेली सोप में थोड़ा कम होता है क्योंकि आपको स्पून फीड करना पड़ता है डेली सोप में ना हाँ। ऑडियंस को कि भाई ये रोई अगर तुम रोओगे तो सामने वाला रोएगा ऐसा हो जाता है डेली सोप में बट उनकी थोड़ी बातें हैं जो बहुत याद रहेगी और कविता जी तो शी वॉज़ वेरी नाइस द फर्स्ट मीटिंग से ही आई फेल इन लव विथ हर सूरज जी से तो मैं थोड़े टाइम के बाद मिली थी जब शो साइन हो गया था जब शूट स्टार्ट हो गया था तब बट दिस इज हाउ इट स्टार्टेड आपका पहला दिन कैसा रहा था सेट्स पर माने क्या एटमोसफियर था किस तरह का राशरी का सेट्स रहता है कंपेयर टू जैसे कि आपने कहा कि आप दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ भी आप काम कर चुके हैं तो काफी डिफरेंस आपको नजर आया तो हाउ वाज द एटमॉस्फेयर कैसा रहता है राशरी के सेट्स पे सो यहां मैं घरेर खेली में एक स्वर्ण भवन था दैट वाज सोने का महल तो जब जब मैं एंटर हुई ना इट इट वाज ह्यूज एंड वो गोल्डन पाउडर या स्प्रे डाला हुआ था जो भी था बट इट वॉज लुकिंग लाइक अ गोल्डन गोल्ड का बनाया हुआ महल सो इट वॉज मतलब द ग्रज इट वॉज अमेजिंग प्लस आलोक जी थे उसमें स्मिता जी थी उसमें सो so मैं तो एकदम कॉन्शियस uh, होके गई थी वहाँ पे कि इतने बड़े बड़े और आलोक जी मतलब ही इज उनकी तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकती ना कितने, प्रेक्ट प्रेक्ट प्रेक्ट। कितने? और घर घर खेली मतलब अगर, मतलब राजश्री मतलब आलोक जी इट वाज लाइक दैट तो आलोक जी की बेटी तो आई वाज आई वाज काइंड ऑफ इंटिमिडेटेड बट पहले दिन तो मैं बहुत एक्साइटेड थी बहुत सारे इमोशंस अटैच हो जाते हैं ना पहले दिन क्योंकि आप इतने बड़े लोगों से मिल रहे हैं इतना बड़ा शो कर रहे हैं इतना बड़ा प्लस राजश्री के साथ मुझे एग्जैक्ट फीलिंग तो याद नहीं है बट आई मस्ट टुगेदर आपकी स्पेशल मेमोरीज राजश्री के साथ कुछ जुड़ी है कुछ ऐसी मेमोरीज जो आपको याद है जो आप शेयर करना चाहें um, तो पहले या दूसरे दिन जब हम एपिसोड शूट कर रहे थे अरविंद बब्बर जी थे okay. um, मैंने इतना नहीं देखा था बट देवर ऑलमोस्ट हंड्रेड एंड फिफ्टी पीपल एज अ क्राउड तो इतना लार्ज जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था वो मैंने तब तक नहीं देखा था क्योंकि वो स्वर्ण भवन था और बहुत उनको बड़ा बताना था तो जूनियर आर्टिस्ट हंड्रेड एंड फिफ्टी थे right. तो वो मेरा बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था प्लस uh, मुझे लोग बहुत अच्छे मिले वहाँ के right. जो मेरा को एक्टर है था उधर उस वक्त करण और जो जो मेरी फ्रेंडशिप्स तब हुई ना वो अब तक बहुत ऐसे है। बरकरार है हाँ तो लोग मिलने जिनके साथ तुम ढाई साल गुजारो और उसके बाद भी तुम उनसे मिलना चाहो तो वो मतलब कि आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बन गया उनके साथ उसके डायरेक्टर थे रोहित द्विवेदी जी उनसे हर तीसरे दिन चौथे दिन मेरी अभी भी बात होती है तो वो एक ऐसा कनेक्शन कब बनता है जब आपका माहौल ऐसा होता है ना कि डेली सोप में इतना प्रेशर होता है लेकिन हमें कभी प्रेशर फील ही नहीं होने दिया है एक आधा बार ऐसे ढाई साल में ऐसा होगा कि मैंने ओवर टाइम किया हो अच्छा। अदरवाइज तो कभी नहीं देवर टाइम्स जब मैं चार चार बजे घर आ जाती थी डेली सोप में मतलब इट वॉज अ ड्रीम देट मैं आपको बोल रही हूँ ना कि इतना अच्छा था ना कि वो बाकी शोज मैंने किए ना तो मुझे लगा कि ये सब क्या है मुझे वापस राजश्री में जाना है मुझे वापस <laughs> कोई शो करो कोई शो करो <laughs> और एक मेरा एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू से कविता जी के साथ रहा था um, वो कुछ तो हो गया था कोई रिपोर्टर से कुछ अनबन हो गई थी उन्होंने कुछ लिख दिया था ऐसा जो गलत था फिर मैंने कविता जी से बोला टाइम्स में या कहीं तो कोई पेपर में आ गया था मैंने बोला कि ये तो गलत है ऐसा तो हुआ ही नहीं था तो ऐसे क्यों लिखा तो उन्होंने कुछ तो बोला फिर वो रिपोर्टर से बात की फिर फिर मेरा थोड़ा सा गुस्सा बढ़ता गया और फिर आ, मैंने फिर कविता जी को फ़ोन किया और मैं बोलने लगी कुछ भी अच्छा हो जाता है ऐसा कभी कभी ना कि आ। आ, आपके अगेंस्ट कुछ लिख दिया जो तो, हो जो सच ना हो और फिर आप किसको बोलो जाके आप रिपोर्टर से तो आपका कोई कनेक्शन बनता नहीं है और नहीं। आप और उनको कुछ बोलोगे तो वो और कुछ छाप देंगे।, देंगे तो कौन है वो तो मैंने कविता जी को फ़ोन किया फिर धीरे 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 करके मैं चिल्लाने लगी और कविता जी ने मुझे शांत करने की कोशिश की और फिर एक पॉइंट पे उन्होंने गिव अप कर दिया उन्होंने बोला कि अच्छा तुम्हें जितना बोलना है बोलो जितना चिल्लाना है चिल्लाओ मैं तुम्हें मेरी छोटी बहन की तरह ट्रीट करती हूँ तुम्हें जितना गुस्सा है करना कर लो तो मैं चिल्लाने लगी रोने लगी फोन पे सब करने लगा और फिर मैंने फोन मैं बोला मैं आपसे बाद में बात करती हूँ रख दिया वो एक जो होता है ना कि बोल, बोल दिया बोलने से आधा तुम्हारा खत्म हो जाता है जो भी आपको गुस्सा आया होता है बट शी वॉज सो काइंड एंड सो अंडरस्टैंडिंग उसके बाद मैंने एक घंटे के बाद फोन किया तो शी बिहेव नथिंग सो इट्स रेयर यू नो कि तुम्हारे प्रोड्यूसर तुम्हारा इतना

एकदम रहता है हाँ, राजश्री के एकदम बहुत अच्छा लेता है क्या खाते थे आप और वहाँ पे जब हम, हम सेलिब्रेशन होता था हंड्रेड एपिसोड या हाँ, कोई और सेलिब्रेशन तो वो स्पेशल मारवाड़ी खाना आता था हाँ, जिसके लिए हम ऐसे बोलते हैं ना कि अगर शाम को है तो दिन भर में खाना मत खाना हाँ, क्योंकि शाम को बहुत अच्छा खाना मिलने वाला है सूरज जी होते थे फिर उनकी वाइफ आती थी और फिर वो ऐसे आपको तो ऐसे फोर्स करते थे आपके सेट पे आके ऐसे फोर्स करते थे कि प्लीज लेना प्लीज लेना फिर वो माल पोहे बनते थे ये और वो बहुत मजा आता था जब ही शो एंड हुआ जब ही सारा का सारा आपको पता था इमोशनल हो, हो गए क्या चीजें आई आपके माइंड में अफकोर्स जब हमें बताया गया कि शो एंड हो रहा है तब हम सब सूरज जी और कविता जी के पास हमने फोन वोन किए कि अरे क्यों चल रहा है अच्छा शो तो चलने दो और स्टोरी तो कभी कम होती ही नहीं है ना स्टोरी तो आप बनाते ही जाओ बनाते जाओ उतनी बनती जाए तो हमारी टीआरपी भी बहुत अच्छी थी पर सूरज जी का मानना था कि कि हम उसको खींचना नहीं चाहते एक अच्छे नोट पे ख़त्म करना चाहते वो ऐसा होता है ना सिंकिंगशिप हाँ। वैसा नहीं करना चाहते ऐसा याद रह जाए एंड का भी एपिसोड सब देखे और वो होता है ना कि अरे ख़त्म हो गया हाँ। वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है सामने वाले के हाँ। लिए कि अरे लोग हमें और देखना चाहते थे फिर भी हमने हाँ। ख़त्म कर लिया सो so, वो उन्होंने बोला कि मैं और खींचना नहीं चाहता उसको तो एक अच्छे नोट पर ख़त्म करना चाहता हूँ वो फिर शुरू शुरू में थोड़ा लगा फिर हमने बोला ही इज राइट कि क्यों आपको ऐसे 3.1 पॉइंट पे तब हमने ख़त्म किया था ऐसा हाँ। नहीं था कि फिर वो 3.1 से 2 .1. फिर 1 और फिर 1.5 पे शो खत्म हो गया पता ही नहीं चला कि कब चला गया वैसा वाला नहीं हुआ सो इट वॉज राइट एंड हम लोग ने फिर एक्सेप्ट किया उस चीज़ को और वो रोने रोना धोना तो दो तीन हफ्तों से चल ही रहा, रहा था फिर बाय द एंड ऑफ इट आई थिंक द लास्ट डे वी एक्सेप्टेड इट एंड वी वेरी हैप्पी उस दिन लास्ट डे हम सब मिले हमने पार्टी की रात को और इट वाज गुड मज़ा आ गया था गया। और, और हमने एक अच्छा सा वो कर लिया था कि हिटलर uh, दीदी को जा रहा था हमारा स्लॉट तो हमने ऐसे गीता ली थी हाथ में और फिर मैंने हिटलर दीदी की जो थी ना मेन लीड उनको हाथ में दी थी गीता और बोला था कि अब से आप संभालना इट वॉज इट वॉज वेरी काइंड ऑफ एन एंडिंग यू नो तो वैसा था हाँ इमोशनल तो हुए ही सेट फिर सेट को देख देख के फिर फील हो रहा था बट अच्छा था एक एंड में भी एक तो राजश्री में गाने बहुत होते हैं हमारी सीरियल में भी बहुत सारे गाना था बहुत सारे गाने थे और एंड भी हमने डांस करके ही किया था अच्छा। हाँ तो मज़ा आ गया था उसका एक उसकी एक प्रेयर है जो बहुत फेमस हो गई थी मैं जहाँ पे भी जाती थी ना मतलब अमेरिका और फिजी या कहीं भी जाती थी मुझे हमेशा बोलते थे वो प्रेयर गाने के लिए सिर्फ ड्रामेटिक सीन्स रहे तो एक्टर के लिए काफ़ी लोड हो जाता है कि लाइक यू नो वो एक ही चीज़ करते रह जाते इमोशंस करे रो रहे तो रो ही रहे लेकिन यहाँ पे थोड़ा एन्जॉयमेंट भी है साथ में डांस तो भी तो है काफ़ी चीज़ें साथ में आ जाती है आ, सेट्स पर तो आपका माइंड भी रिलैक्स होता है चलो आज मैं कुछ अलग कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ और क्या था ना कि मैंने जैसे आपसे कहा ना कि हमारा आ, हमारी फ्रेंडशिप बहुत अलग हो गई बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी तो अगर इमोशनल सीन्स चार पाँच दिन चल ही रहे हैं चल ही रहे हैं तो लेकिन जब वो कैमरा ऑफ होता था ना तब हमारी हम इतने मज़े करते थे कि यू you नो know, एक चेंज मिल जाता था अदरवाइज ऐसा होता था कि फिर रो ही रहें रो ही रहें रो ही रहे तो वो एक बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया था मतलब आप सोचो कि चलते शो में डेली सोप में ग्यारह आर्टिस्ट विद द डायरेक्टर एंड द डीओपी ओ चार दिन गोवा गए थे हाँ? चलते शो में चलते शो में <laughs> चलते शो में छुट्टी करके मतलब डायरेक्टर ने सारे एपिसोड्स पहले अच्छा, मंगा लिए हाँ हाँ और आ, सारे से माने करते थे हाँ, के ब्रेक भी मिले, काम काम का सिर्फ काम वो का की की साथ होता था। अच्छा, तब कि के के तो ऐसा था।, था।, था जब हम सुनते थे कोई बेहोश हो रहा है किसी की तबियत इतनी डाउन हो रही है बेहोश हो लेकिन फिर भी शूट कर ही रहे हाँ और ऐसे टाइम पे आप सोचो की चार दिन पूरा सेट बंद सेट बन डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर सॉरी डायरेक्टर डीओपी और और हम नौ आर्टिस्ट जो मेन है फैमिली के वो सारे के सारे गोवा घूमने गए थे मतलब इतना इतना था सब अभी तो ऐसा सोच भी नहीं सकते आप एक दिन जाओ उसमें भी आपके चार कॉल आ जाते प्लीज डबिंग कर लो प्लीज एक शॉट दे दो प्लीज ये ऐसे कर लो सो so, वो दैट वाज अनदर फन आप प्रेयर के बारे में बता रहे थे जो गाने के बारे में क्या वो आप गा सकते हैं हाँ वो तो मेरे जहन से कभी जाएगा ही नहीं गाना नहीं। इतनी बार मैंने गाया है कई बार पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता था कई बार डायरेक्टर बोल देते थे अच्छा एक काम करो ना गाना गा लो वो तो हम गा लेते थे वो गाना प्रभु जी ही कृपा हम पे बनाए रखना प्रभु जी ही कृपा हम पे बनाए रखना ये थी एक लाइन आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है थैंक ah, यू <laughs> बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच हम you. हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स थैंक यू एंड राजश्री के सेवेंटी फाइव ईयर्स कम्प्लीट हुए इस इंडस्ट्री में जिसमें थैंकफुली आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट फॉर माइन्यूट ईयर्स तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और राजश्री से एक बहुत एक अच्छी बात और सीखी है मैंने कि कैसे ग्राउंडेड रहना मतलब आपके पास जितने पैसे हो जितना फेम हो वो सब होने के बावजूद ज़मीन पर कैसे रहना वो हमने राजश्री से सीखा है और हम सब ने ही जो मेरे साथ रहे हैं वो हम सब यही बात करते रहते हैं कि ये एक चीज़ हम लेके जाएं यहाँ से ज़िंदगी भर जो हमें याद रहे थैंक यू